बेसन, और मैं चीला बनाने वाली हूँ, बेसन का चीला। तो मैं क्या क्या डालती हूँ चलिए देख लेते हैं। चलिए घोल बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। उसके बाद उसमें मैं खाने वाला सोडा आधा चम्मच ऐड करूँगी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे 1 मिर्ची बारीक काट के ले ली है, और आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, बाकी इसमें कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। और अगर आप लाल मिर्ची खाते हैं पिसी हुई तो आप डाल सकते हैं, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने यहाँ बहुत अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है, क्योंकि एक बार में ही पानी डालने से क्या होगा, लम्स और गुठलियाँ पड़ जाएंगी, बेसन अच्छे से घुलता नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, और अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो तवे पे फैलाने में दिक्कत होती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो ढकने के बाद जब बनाऊँगी तो चीला जो है थोड़े से फूले फूले से बनते हैं। और मेरे पास 2 तवा है, और पराठे और चीले के लिए तवा मैंने अलग से रखा हुआ है, क्योंकि रोटियां बनाने के लिए तवा में नीट एंड क्लीन चाहिए होता है, और पराठे वाला तवा इतना एकदम से नीट एंड क्लीन साफ़ नहीं हो पाता है। तो लेट भी हो रही थी क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बेटी लेट हो रही थी, आज थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। तो चीले जो है वो जल्दी बन जाते हैं, तो बस मैंने सोचा चीले ही बना देती हूँ, सब्जी रोटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखूँगी, सिर्फ वो 2-3 ही चीले लेके जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, और नाश्ता भी हो जाएगा इसी का। तो दूध और चीले का नाश्ता करा के और 2-3 चीले मैं लंच में रख दूँगी। तो टिफ़िन के नीचे मैंने सिल्वर फॉल ऐड कर लिया है, और मैं पैक कर दूँगी। और हस्बैंड के लिए नाश्ते में यहाँ पे मैंने सेवइयाँ बनाई थी, तो फटाफट बन जाती हैं, क्योंकि ये भुनी हुई सेवइयाँ होती हैं तो जल्दी बन जाती हैं, और जो कच्ची होती हैं उनमें टाइम लगता है भुनने के लिए। तो कभी कभार बच्चे का मूड होता है वो खा लेती है, वैसे उसको इतना मीठा पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड की पसंद है, तो वो बेल के जूस पीते हैं। तो वो फार्म में जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से लेके आए, वैसे आई थिंक आजकल बेल बहुत काफ़ी कॉस्टली और महंगे मिलते हैं, पर जैसा घर पे शरबत हम बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, बाहर नहीं मिल पाता है, तो वो बनाते हैं और पीते हैं, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो किसी दिन वो बनाएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें, मुझसे नहीं हो पाता है, पर वो बना के पीते हैं। इसका नाम भी ऐसे ही है, भोलेनाथ जी का पसंदीदा फल है ये, बेलपत्र बोलते हैं हम जिसको। नाश्ता करने के बाद मैं गैलरी में आ गई हूँ, और कल इतनी ज़ोर से आंधी और बारिश आई थी, और ऊपर की जो टोकरी टंगी हुई थी उसकी रस्सी भी काफ़ी कमज़ोर थी, तो वो गिर गया गमले के ऊपर, तो वो भी टूट गया, और जो नीचे प्लास्टिक का गमला था वो भी टूट गया, और तुलसी का पेड़ था उसके अंदर, तो पेड़ तो ख़राब नहीं हुआ पर गमला टूट गया है। तो फिर मैंने हस्बैंड से गमला मंगाया था शाम को, और सीमेंट का गमला मंगाया था, क्योंकि मिट्टी के गमले में से कुछ दिनों बाद काफ़ी मिट्टी गिरने लग जाती है तो गैलरी गंदी हो जाती है। धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके सीमेंट के गमले ही मंगा लिए थे, तो तुलसी का गमला मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। और टोकरी के लिए भी मैंने कलरफुल 2-3 टोकरियां मंगाई हैं, वो भी मैं ठीक करूंगी। और इधर 2 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी, तो मेरी जो प्रिया है इसको आर्ट एंड क्राफ्ट करना काफ़ी पसंद है, तो इसका यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट काम चल रहा है। शाम के 4 बज गए हैं, इधर मैंने कढ़ी छोंक दी है, क्योंकि कढ़ी को बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी साइड मैंने छोटी वाली कढ़ाई रखी है, और शाम का टाइम है, थोड़ा मौसम भी ठंडा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कढ़ी और चावल बनाती हूँ शाम के खाने में, तो अच्छा लगता है कभी कभी, मेरे और मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट हैं। और प्रिया ने कहा, मम्मी जब आप घोल बना रहे हो तो इसमें 2 प्याज काट के मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो, तो मैंने यहाँ पर 2-3 प्याज काट के प्याज के पकौड़े बनाए थे, उस पर मैंने चाट मसाला लगा दिया था, और उसके बीच में 2 घंटे का गैप था, फिर हस्बैंड आ गए थे और वो लेके आए थे कच्चे आम, 5 किलो आम है ये, और देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कच्चे भी हैं, पर लास्ट सीजन है, बिल्कुल मौसम आमों का एंड हो चुका है, तो पता नहीं उनको कैसे मिल गए और कहाँ से मिल गए। तो कह रहे थे कि आम का अचार बना लो, मैंने बोला कि आम का अचार तो अब नहीं बन पाएगा क्योंकि आम तो पक गए, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो कह रहे नहीं ये कच्चे हैं।
तो जब मैंने काट के देखा तो आधे पके आधे कच्चे थे, तो मैंने सोचा चलो रिस्क ले लेते हैं और देखते हैं कि अचार बनता है या नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे काट के पानी में इसको डाल के रख दूँगी, कल इसको धूप में सुखाऊँगी। और इधर जो थोड़े बहुत पके थे जिनका अचार नहीं बन सकता है, तो उनको मैंने छील के छिकलों के साथ ही थाली में करके छोड़ दिया है, थोड़े और रात भर में ये पके से हो जाएंगे। और फिर मैं इनको सुबह उबाल के कुछ मीठी सी रेसिपी बनाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ पे सीजन के जामुन चल रहे हैं, तो फिर थोड़े बहुत जामुन हैं अभी, थोड़े अच्छे से पके नहीं हैं, दो तीन बारिश और होगी तो और अच्छे से पक जाएंगे। और थोड़े से करेले पहले के रखे हुए थे, तो मैंने इसमें हल्दी और नमक लगा के रख दिया है, कल इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो ये शाम का खाना था और ये शाम का रूटीन था थोड़ा सा। अब देखते हैं सुबह क्या बनाऊंगी मैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। देख सकते हैं आम बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको मैं कुकर में डाल के इसमें थोड़ा एक गिलास पानी डालूँगी और इसको दो तीन सीटी लगा लूँगी, और उसके बाद मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और दूसरी गैस पे मैं दूध रखूँगी, दूध भी आ गया है, तो सुबह का काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए, एक किलो दूध था और गरम हो रहा है। इधर सीटी लगने के लिए मैं गैस ऑन करके इस पर मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने इसमें, एक गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। और सीटी लगाऊंगी, दो सीटी में आराम से आम हैं तो उबल जाते हैं, आमों को उबलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उबल चुके हैं, और ये जो एक्स्ट्रा पानी था आम का वो मैंने निकाल लिया है। और सच में गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये पानी बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट और अच्छा है। आप इसको चीनी डाल के पी भी सकते हैं, पर सबसे अच्छा इसका उपयोग मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। तो बालों जब आप बाल धोते हो तो इसमें शैम्पू मिला के आप बाल को धोगे ना, तो सच में इस आपके सर में से जितना भी डैंड्रफ है वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आम में खट्टापन होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रिज में रख दूँगी और वो बाल धोने के लिए यूज करूँगी उसके। और देख सकते हैं मैंने इसमें एक कटोरी चीनी डाल दिया है, और उसके बाद मैंने खूब अच्छे से मिला लिया है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी है रेसिपी बन के तैयार हो गई है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाँव में तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ये, और हेल्दी भी होता है। अगर आप इसको सुखा दोगे तो आम पापड़ का रूप ले लेता है, और यहाँ हलवा की तरह बन गया है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और नाश्ते के लिए तो सबसे अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कि मैं आ गई हूँ छत पे और धूप ठीक ठाक है, छत थोड़ी सी गीली है, और मैंने कपड़े वॉश किए थे, मैंने उनको डाल दिया है अच्छे से कम हवा भी लग जाएगी और थोड़ी बहुत धूप भी लग जाएगी। तो यहीं पे मैं खाट लेके आऊँगी, लोहे की जो खाट है उसके ऊपर ही मैं आम को सुखाऊँगी। और पूरा दिन मैंने सुखाया इसको आम को, धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, तो इतना सूख गया है कि मैं इसका अचार बना सकती हूँ। देख सकते हैं आप, पीले पीले दिख रहा है, ये आधा पका हुआ है, तो बहुत अच्छे से सूख चुका है। और इसके अंदर थोड़ी सी एक प्याज की झिल्ली की तरह एक और परत होती है, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वो आम में रहता है तो अचार ख़राब हो जाता है। तो मैं वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो सूखने के बाद ही निकलती है, कच्चे में नहीं निकलता है, सूखने के बाद। फिर मैंने उसको भी निकाल दिया था, और एक 10 किलो का डिब्बा था उसके अंदर मैंने सारे आमों को डाल दिया है। और इसके ऊपर से मैं इसमें एक कटोरी नमक डाल के 2-3 दिन के लिए छोड़ दूंगी, तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे और जो नमक का पानी है वो आम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब मसाला लगा के रखूंगी तो आम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उसका अचार जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और कई सालों तक अचार रखा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश आ चुकी है। अभी तो धूप थी थोड़ी देर पहले ही, अचानक से ही बादल आए और बारिश शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और अब ऐसे ही पूरी रात बारिश होने वाली है, लग तो ऐसे ही रहा है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करूँगी, होपली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।